ने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी आज 8 मई 2022 की अपडेटेड न्यूज है आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग इसी तरह की अपडेट मिलती रहती है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को जो भी अपडेट है आज बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोग हम बताते हैं। तो साथ ही आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आज की जो फर्स्ट न्यूज, जैसा कि दिया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय में 11 मई से स्नातक पाठ्यवन की परीक्षा आप लोगों को होने वाली है। इसके एडमिट कार्ड की बात करें तो आप लोगों को 9 मई को इसके एडमिट कार्ड इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे हम आप लोगों को इसके एग्जामिनेशन के बारे में, साथ में इससे रिलेटेड जो शेड्यूल है जारी किया गया है, कौन से एग्ज़ाम किस डेट को है, वो भी आप लोग को बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट में सुधार की कार्रवाई शुरू। बात कर लेते हैं डीएलएड कोर्स में अभ्यर्थियों को 7 साल बाद, 7 साल पहले सत्र के डीएलएड कोर्स में अभ्यर्थियों के रिजल्ट में सुधार के लिए कार्रवाई इस हफ्ते से शुरू की गई है। यानी 7 सालों के बाद यहां पर इसका रिजल्ट में सुधार के लिए किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय द्वारा कितनी बड़ी नाकामी किया गया है और जिसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को इसको पछताना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे 1000 छात्र। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका पीछे कारण है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएड का जो प्रवेश परीक्षा फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे बिहार विश्वविद्यालय से। उसका कारण क्या है आप लोग हम बताएं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविद्यालय की गलती से 1000 छात्र इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। 1 साल विलंब से स्नातक 18-21 के फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 मई को जारी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में है। यानी कि वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है वो कैंडिडेट तो इसका फॉर्म बीएड का नहीं भर पाएंगे, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को एमएड कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लीकेशन इन्वाइट की गई है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पर आप लोगों को साफ शब्द में दिया गया है कि इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन एमएड कोर्स इन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन टर्की एलएन मिश्रा कॉलेज बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर, या फिर बिसुन राजदेव राज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भगवानपुर। ये 2 कॉलेज है जिसमें आप लोग एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए, तो आप लोग www.bra.bu.net पर आप लोग जाकर इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग सभी डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा एडमिशन से रिलेटेड। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय में यहाँ पर स्नातक सेशन 2022-25 में, यानी कि इस वर्ष जो इंटरमीडिएट पास आउट हुए हैं उनके एडमिशन स्नातक में 25 मई तक आवेदन किया जाएगा। आप लोगों का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नातक सत्र 2022-23 के पाठ्यवन की परीक्षा 11 मई से शुरू की गई है, जैसे कि हमने पहले ही बता ही चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग को एक और अपडेट दिया गया है कि बीएड सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए 13 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पर 13 मई तक आप लोगों का बीएड सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए 13 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नातक पाठ्यवन की परीक्षा के लिए 5 जिलों में 30 केंद्र बनाए गए हैं और उसके बारे में आप लोग हम आगे डिटेल देने वाले हैं। स्नातक पाठ्यवन की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो 30 केंद्र बनाए गए हैं उनका जो PDF है या फिर आप लोग इमेज है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। वहां से जाकर आप लोग देख पाएंगे किस कॉलेज का सेंटर कहां पर गया है और वहां से आप लोग चेक कर पाएंगे। और जैसा कि यहां पर देख सकते हैं 30 केंद्र को, यानी 5 जिलों में 30 केंद्र बनाए गए हैं बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नातक एवं PG में, स्नातक और PG में जिनका भी LS कॉलेज में नामांकन है उनको बताना चाहेंगे। जिनका 75% नहीं है स्नातक या फिर PG में, वो आगे आने वाले एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है कि 13 तक भरा जाएगा बीएड का परीक्षा फॉर्म। यानी कि आप लोगों को बीएड सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष का परीक्षा फॉर्म 13 मई तक भरा जाएगा, जैसा कि हमने बताया। इसमें आप लोगों को दिया गया है कि इसके लिए छात्रों को ₹1910 लगेंगे। बीएड में 6000 छात्रों को परीक्षा देनी है और परीक्षा विभाग में यहाँ पर सभी कॉलेजों में छात्रों की जानकारी, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप और ऑनर्स विषय का अब अंक 16 मई तक जमा करने के लिए कहा गया है। यानी कि आप लोगों को सभी जो एडमिट कार्ड है सभी चीज़ें आप लोगों को यहां पर कॉलेज में आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर दिया गया रामेश्वर कॉलेज में आप लोगों को BBA और BCA में कोर्स शुरू किया गया है। जो भी कैंडिडेट BBA और BCA में पढ़ाई करना चाहते हैं वो कैंडिडेट इसमें नामांकन ले सकते हैं रामेश्वर कॉलेज में। अब बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन हो सकेगी PhD की वाइवा।
बात यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को बिहार विश्वविद्यालय में PhD वायबा अब ऑनलाइन हो सकेगी। UGC ने इसका निर्देश कुलपति को भेजा है। UGC ने वर्ष 2016 रेगुलेशन का हवाला देते हुए इसके बारे में निर्देश जारी किया है, यानी कि अब जो भी PhD वायबा जो होगा अब ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं 8 BEd कॉलेजों में नामांकन पर लगी है रोक। आप लोग बताना चाहेंगे कि इसमें 8 ऐसे कॉलेज हैं बिहार विश्वविद्यालय के जिसमें BEd में नामांकन के लिए रोक लगा दी गई है, जिसके बारे में आप लोग पता कर सकते हैं। साथ में इसमें आप लोग को दिया भी गया है, और वैसे कॉलेज में आप लोग को ऑनलाइन नामांकन नहीं करना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उस कॉलेज को आप लोग प्रिफ्रेंस मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उस कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया गया है BEd में और उसमें आप लोगों का नामांकन नहीं लेना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को, जैसा कि आप लोग हमने यहाँ पर सभी डिटेल बता ही दिया, यहाँ पर आप लोग बताते हैं स्नातक स्तरीय यानी कि UG वोकेशनल कोर्स में यानी कि BMC BCA BBA आदि में नामांकन के लिए 31 मई तक आवेदन आप लोगों को जारी हुआ है। 31 मई तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद फिर जैसा कि हमने बताया कि आप लोगों को TDC पार्ट 1 और साइंस कॉमर्स ऑनर्स जनरल एग्जामिनेशन यानी कि पार्ट 1 का एग्जामिनेशन का डेट जो है, शेड्यूल जो है, आप लोगों को इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से जाकर आप लोग देख पाएंगे। तो आज की जो भी अपडेट थी आप लोग हमने बता दिया, साथ ही वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।